परचेज डे बुक। ये क्वेश्चन नंबर इसका 15.1। अब 15.1 हम बनाएंगे परचेज डे बुक, ठीक है। अच्छा, इसका भी फॉर्मेट सेम है सर, इसमें कस्टमर नेम के बजाय सप्लायर नेम आ जाएगा ना। डेट, इनवॉइस नंबर, सप्लायर नेम, पोस्ट रेफरेंस, अमाउंट, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। पहले एक क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेज फ्रॉम डीपॉप 720। नेक्स्ट है क्रेडिट परचेज फ्रॉम एफ्लॉयड। क्रेडिट परचेज फ्रॉम बी संकी। नेक्स्ट क्रेडिट परचेज फ्रॉम जे विल्सन, ठीक। उसके बाद क्रेडिट परचेज फ्रॉम आर फेयर, और उसके बाद टोटल कर लेंगे और ये हमारी परचेज रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम बनाएंगे परचेज लेजर और पेबल लेजर। अब उसमें हर सप्लायर का इंडिविजुअल अकाउंट बनेगा, बाय नेम अकाउंट बन जाएगा। परचेज लेजर और पेबल लेजर, पहला सप्लायर कौन है? डीपॉप। अच्छा, क्रेडिट परचेज की एंट्री क्या होती है? क्रेडिट परचेज की एंट्री परचेजेस डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। अब ये डीपॉप क्रेडिट हो जाएगा 720 से। नेक्स्ट है क्रेडिट परचेज एफ्लॉयड है, एफ्लॉयड अकाउंट बनेगा और ये अकाउंट पेबल एफ्लॉयड क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, थर्ड कौन था? बी संकी। ये अकाउंट्स पेबल बी संकी क्रेडिट। अच्छा, नेक्स्ट कौन है सप्लायर हमारा? जे विल्सन 180। ये अकाउंट्स पेबल जे विल्सन क्रेडिट होगा 180 से, ठीक है। इसके बाद लास्ट है क्रेडिट परचेज फ्रॉम आर फेयर, अकाउंट्स पेबल आर फेयर क्रेडिट हो जाएगा 768, ठीक। अच्छा, ये बन गया हमारे परचेज लेजर और पेबल लेजर। अब बनाएंगे हम जर्नल लेजर बनाते हैं। अच्छा, जर्नल लेजर में इससे रिलेटेड दो अकाउंट्स बनेंगे, परचेजेस का और दूसरा अकाउंट्स पेबल। अब परचेज डे बुक का टोटल क्या था? 36। परचेज डे बुक का टोटल था 3686। तो टोटल परचेज हो गई हमारी 3686। जर्नल लेजर में हम, ठीक है, परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और अकाउंट्स पेबल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा टोटल, ठीक है। परचेजेस डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, टोटल परचेज, ठीक है। ये बन गए हमारी परचेज डे बुक, परचेज लेजर और जर्नल लेजर। क्लियर? यस सर, इजी है, ठीक है। सर, वैसे इसमें दोनों साइडों को इक्वल करना मतलब वो तो नहीं है ना? फिलहाल जरूरत नहीं है हमें, आगे जरूरत होगी, आगे बनाएंगे। आगे ये कंप्लीट होगा, इसमें पोस्टिंग होगी, क्लोजिंग बैलेंसिंग सब करेंगे। आगे टॉपिक है वहां पढ़ेंगे, वहां ये सब चीजें आएंगी। कंट्रोल अकाउंट का टॉपिक है, उसमें पढ़ेंगे फिर दोबारा से, ये रिपीट होगा, ठीक है। ये हो गया आपका परचेज। अब हम बनाएंगे सेल्स एंड सेल्स रिटर्न डे बुक। अच्छा, ये क्वेश्चन है इसका 16.2। अच्छा, पहले हम बनाएंगे सेल्स डे बुक, इसके बाद सेल्स रिटर्न और फिर लेजर्स बनेंगे। अच्छा, सेल्स डे बुक में सेल्स रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, 1 जून है, पहले इसमें क्रेडिट सेल्स हो, टीकॉक, एम्ब्रियन, जीसोल, एफ के बच्चा। 1 जून को हमने
फोर कस्टमर्स को क्रेडिट पे सेल की, चारों रिकॉर्ड कर लेते हैं। वन टू थ्री फोर, ठीक है। नेक्स्ट क्रेडिट सेल्स टू पी कोड, जे लॉ, अलचॉप और टी मैन। सिक्स जून को थ्री कस्टमर्स को गुड सेल की, ये रिकॉर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट 10th जून गुड्स रिटर्न टू अस, अच्छा ये सेल्स रिटर्न हो रही है तो सेल्स रिटर्न डे बुक में रिकॉर्ड होंगी। अच्छा नेक्स्ट है 20th जून क्रेडिट सेल्स टू बी अपहिल, ये रिकॉर्ड कर लेंगे। 24th जून गुड्स रिटर्न टू अस, ये सेल्स रिटर्न हो गई, सेल्स रिटर्न डे बुक में रिकॉर्ड होंगी। और लास्ट है क्रेडिट सेल्स टू टी केन, यहाँ रिकॉर्ड कर लेते हैं। और उसके बाद मंथ एंड पे इसका टोटल कर लेंगे और ये टोटल सेल्स आ जाएंगे 3,140। अच्छा इसमें एक चीज देखें, सेल्स के टाइम पर सप्लायर इश्यू करता है इनवॉइस, ठीक है, इसमें इनवॉइस आ गए, इनवॉइस नंबर था। अच्छा अब बनाएंगे सेल्स रिटर्न डे बुक, इसमें इनवॉइस नंबर की जगह आएगा क्रेडिट नोट, कि जब सप्लायर कस्टमर गुड्स रिटर्न करने आएगा तो सप्लायर उसको क्रेडिट नोट इशू करता है, क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। जब कस्टमर गुड्स रिटर्न करने आएगा तो सप्लायर एक डॉक्यूमेंट में लिखकर देगा उसको ना क्या क्या उसने गुड्स रिटर्न की, उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं क्रेडिट नोट। तो सेल्स के टाइम पर इनवॉइस इशू होती है और सेल्स रिटर्न के टाइम पर क्रेडिट नोट इशू होता है। जून 10 को दो कस्टमर्स ने गुड्स रिटर्न किए 19 और 32 की, ये रिकॉर्ड कर लेते हैं। के बाद 24th जून को गुड्स रिटर्न हो रही हैं, ये रिकॉर्ड करते हैं और इसके बाद इसका टोटल कर लेंगे और ये सेल्स डे बुक कंप्लीट हो गई आपकी और टोटल सेल्स रिटर्न हो गई हमारी 67 की। अच्छा अब हम बनाएंगे इसका सेल्स लेजर, रिसीवेबल लेजर बनेंगे। पहला कस्टमर कौन है, बी डॉग। जैसे हमने गुड सेल की थी 240 की और उसके बाद 10 जून को दोबारा सेल की 19 की, रिटर्न है यहाँ, ठीक है, 10 जून को रिटर्न हो रही है। अच्छा अब सेल्स की एंट्री क्या होती है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, और सेल्स रिटर्न में सेल्स रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, ये बी डॉग अकाउंट बन जाएगा रिसीवेबल डेबिट और ये रिसीवेबल क्रेडिट। नेक्स्ट एम्ब्रियन, अच्छा जैसे हमने गुड सेल की थी 126 की और आपको रिटर्न है ना, दोबारा सेल हुई ना, ये अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा 126 से। नेक्स्ट है जी सोल, जैसे हमने गुड सेल की है 94 की और ना दोबारा सेल है ना रिटर्न है, ये रिसीवेबल डेबिट 94 से। नेक्स्ट एफ ट्रिप ऐसे हमने गुड सेल की है 107 की, इसके बाद 10 जून को इसने 32 की गुड्स रिटर्न की है, इसके बाद नजर नहीं आया, ये रिसीवेबल डेबिट 177 से और रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा 32 से। नेक्स्ट है पी कोड्स, पी कोड्स जैसे गुड सेल की हमने 182 की और सेल की एक बार, ये रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 182 से। नेक्स्ट है एल जॉब, जैसे हमने गुड सेल की 203 की और इसके बाद वो रिटर्न नहीं है, 24th को इसने 16 के गुड्स रिटर्न किए,
ये आ जाएगा आपका रिसीवेबल डेबिट और रिसीवेबल नेक्स्ट कस्टमर टी मैन में गुड सेल की थी मैन को 99 की और रिटर्न नहीं है इसकी ये रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा 99 से नेक्स्ट बी अपहिल यहाँ पे ऐसे हमने गुड सेल की है 1790 की और रिटर्न कोई नहीं है ये रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा 1790 ठीक है हमने गुड सेल की है ठीक है इनको कितने की लास्ट 302 302 का केस बन गए अच्छा ये सेल्स लेजर कंप्लीट हो गए अब इसके बाद हम बनाएंगे जर्नल लेजर और इसमें तीन अकाउंट्स बनेंगे एक अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट दूसरा सेल्स अकाउंट तीसरा सेल्स रिटर्न अब सेल्स डे बुक का टोटल क्या था टोटल सेल्स थी हमारी 3,143 और सेल्स रिटर्न थी टोटल 67 अब यहाँ पे इसको जर्नल लेजर में पोस्ट करते हैं यहाँ एंट्री क्या होगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होगा 3,143 से और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 3,143 से क्रेडिट सेल्स पोस्ट होगी अच्छा सेल्स रिटर्न की एंट्री होगी सेल्स रिटर्न डेबिट 67 और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 67 सेल्स रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट ठीक ओके अच्छा तो ये हो गया हमारी सेल्स रिटर्न डेबिट और इसके बाद एक क्वेश्चन है 16.1 उसमें हम बनाएंगे परचेज डेबिट परचेज रिटर्न डेबिट तो वो होमवर्क है